सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रोहनिया में शनिवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी संकल्प अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता केवल बूथ मजबूत करे, हम सरकार बनाकर आपको सौगात देंगे, भाजपा के लोगों के बहकावे में न आए, भाजपा बहकाने वाली पार्टी है, भाजपा नागनाथ है, जो सटेगा उसी को डस लेती है, भाजपा 25 किलो के झोले में 5 किलो गेहूं देने वाली पार्टी है, इस चुनाव में भाजपा को वोट देने का मतलब कटोरा हाथ में लेना होगा, 22 में सरकार बनाकर घरेलू बिजली 5 साल माफ, शराबबंदी, शिक्षा प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर एक समान अनिवार्य शिक्षा, बिना पैसा में पढ़ाने का कानून बनाना चाहता हूँ, जो गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा उसको जेल, शौचालय और आवाज देने का कानून बनाना चाहते हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा की टीम में सुबह सभा ओम प्रकाश राजभर, जनाधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा, भागीदारी पार्टी प्रेमचंद प्रजापति, राष्ट्र उदय पार्टी बाबू राम पाल, जनता क्रांति पार्टी अनिल चौहान, अपना दल कमरेवादी बाता कृष्ण पटेल, भारत माता पार्टी राम सागर बिंद, रामकरण कश्यप भारतीय वंचित समाज पार्टी, राजकुमार सैनी लोकतंत्र बचाओ पार्टी व सभी दल एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र पटेल ने किया। सम्मेलन के दौरान शशि प्रताप सिंह, अभय पटेल, राजेश यादव, डॉक्टर बलिराज राजभर, शिवलाल यादव, सोना राजभर, राजेंद्र पटेल, सुमित राजभर, जागेश्वर राजभर, संतोष प्रजा पति, रमेश राजभर, गणेश चौहान, वंदना भारती, दशरथ राजभर, छप्पन राजभर, शंकर राजभर आदि लोग उपस्थित रहे।